वहीं बूंदी में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से राज्य और केंद्र सरकार मिलकर यहां की अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। मुझे खुशी है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में निवेश भारत में आ रहा है। मुझे आशा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में देश नए कीर्तिमान भी हासिल करेगा। कोटा, बूंदी, ये तमाम हारोड़ती क्षेत्र, ये हमारे सामाजिक राजनीतिक छात्र जीवन से हम यहां पर ही सब कुछ हमने अनुभव किया, यहीं सीखे, यहां की जनता का प्यार मिला, स्नेह मिला, आशीर्वाद मिला और हमने इस सारे क्षेत्र में लंबे समय तक जनता के अभाव कठिनाइयों के लिए भी संघर्ष किया। केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तीसरी बार सरकार बनी है और तीसरी बार जहां नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा, हमारी कोशिश होगी कि राज्य और केंद्र मिलकर, राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी, ये संयोग काफी वर्षों बाद राजस्थान को मिला है और इसलिए हमारी कोशिश होगी कि किस तरीके से दोनों सरकारें मिलकर यहाँ की अपेक्षाएं आकांक्षाओं को पूरी कर सके और विकास के मॉडल पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के मॉडल के साथ साथ रोजगार सृजन के साधन उपलब्ध हो सके ताकि नए नौजवानों को रोजगार मिल सके। आज मुझे खुशी है कि देश के अंदर नए प्राइवेट सेक्टर, हर सेक्टर के अंदर जिस तरीके की प्राइवेट सेक्टर के अंदर, निजी क्षेत्र के अंदर लोग भारत में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और दुनिया के देश भी भारत में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जिस तरीके उत्सुकता है, आने वाले समय में इन सभी सेक्टरों के अंदर निश्चित रूप से नौजवानों को रोजगार मिलेगा और भारत को हम पर्यटन की दृष्टि से भी दुनिया का, आज भी हमारी सांस्कृतिक विविधताएं, हमारी अलग अलग हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण दुनिया के पर्यटक यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सेक्टर हैं जिसमें भारत देश लगातार आगे बढ़ रहा है। इस मोदी जी के तीसरे कार्यकाल, मुझे आशा है कि देश नए कीर्तिमान हासिल करेगा। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष कई सारे एक तरह से कहे तो संकेत दिए हैं, देर तक लोकसभा चलाई, जब राष्ट्रपति अभिभाषण पर चर्चा हुई, नियमों में बदलाव किया गया, क्या उस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरी कोशिश रहती है कि मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, ये संस्था लोकसभा हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, आस्था का केंद्र है, लोगों के विश्वास का केंद्र है, इस पर देश के चुने लोगों की अपेक्षाएं आकांक्षाएं अपने अपने मत विचारधाराओं के आधार पर रखे जाते हैं। सभी लोगों के विचार आए, सभी लोगों के मत आए, सभी लोग अपने क्षेत्र की आकांक्षाएं अपेक्षाएं बताएं और सबका सामूहिक रूप से देश के विकास में योगदान हो। इसलिए कोशिश रहती है कि संसद जितनी देर रात तक चलेगी उतनी चर्चा संवाद होगा, सबका मत आएगा और उस मत के साथ हम सामूहिक मिलकर देश के विकास को एक नई दिशा दे पाएंगे।